Yeah, I want all the papers to be ready by evening. My. तुम के लंच आवर में ब्यूटी पार्लर जाके आई? No, sir. तुम पर इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही हो? कमाल है, मैं तुमको सुबह देखता हूँ तो तुम श्रीदेवी लगती हो, दोपहर को देखता हूँ तो माधुरी दीक्षित लगती हो। ये तो तुम बुरखा नहीं पहनती, वरना मैं तुमको कहता कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। ले 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 ले। दो चॉकलेट की शर्त लगाई थी ना, नहीं आए ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लास्ट बॉल पर छक्का मारने की आदत है, मेरे आइटम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। आ जाएंगे, आई होप सो। यूनुस, ये फाइल क्लियर कर देना। अम्मा कमाल है यार, तुम भी एक अजूबा आइटम हो यार, 24 घंटे फ्रेश लगते रहते हो सिल्वेस्टर स्टालोन की तरह। मुझको तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हो, हाउ डू यू डू इट? निम्बू सी ताजगी, जैस्मीन सी खुशबू, तुम इंसान हो या ब्यूटी सब? व्हाट अ ट्राई, व्हाट अ गुड शॉट, यू आर अ गुड लुकिंग गाय मैन। मर गया, मेरी बीबी का फोन। आज तो पेरेंट्स डे के लिए मुझे चिंटू को स्कूल जाना था। हाँ हेलो, द मोबाइल कस्टमर यू हैव डायल्ड इज करंटली अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई कॉलिंग लेटर। आई विल ट्राई एंड कॉल यू लेटर, मगर आपका बेटा आपके लिए स्कूल में इंतजार कर रहा है, जरा जल्दी आएंगे प्लीज। यूनुस, तुम लोग काम संभाल लो, तुम लोग सब मिलकर काम संभाल लो, मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं। ओ साहब, कहां जा रहे हैं आप? अरे पेरेंट्स डे हो रहा ना ऊपर। आप बहुत जल्दी आ गए साहब। क्यों, अभी तक शुरू नहीं हुआ क्या? शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गए, 2 घंटे हो गए और आप अगले साल के फंक्शन के लिए 1 साल जल्दी आ गए। नाम क्या आपका? बाबूराव साहब। कितना कम बोलते हैं आप। अच्छा, देखिए जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। क्या बन जाऊंगा साहब? होटल ताज के गेट के बाहर खड़े रहेंगे। थैंक यू साहब, ऑल द बेस्ट। सलाम साहब जी, खुश भी हो रहा है बेकू। दीसा आंटी, देखो डैडी आज भी प्रॉमिस करके नहीं आए, मेरे सारे दोस्तों के पेरेंट्स आए थे। चिंटू बाबा, पापा को कोई काम पड़ गया होगा। आंटी, पहले पापा कितना मजाक कराते थे, डिनर पर ले जाते थे, पिकनिक पर ले जाते थे, स्कूल छोड़ने आते थे और लेने आते थे। और मांगो टूटते हुए तारों से दुआएं। तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हारा पापा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने। अब भुगतो। हाय माय बेबी, आई एम चार्ली। अब जिंदगी में पहले कभी ना सुना हुआ बहाना सुनाइए। कैसी वाइफ हो तुम, मेरी बात करने से पहले ही मेरी बात को बहाना बोल रही हो। अरे तुमको तो मेरी शक्ल देखकर मेरी हालत का अंदाजा लग जाना चाहिए। मासूम की किस्मत अच्छी थी जो मरते मरते बच गया इसका पापा। क्या हुआ पापा? अरे मैं जल्दी जल्दी निकला ना तेरे स्कूल आने के लिए बेटा, तो फिसल गया, तो तर 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 फिसल के सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अरे रे रे, कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी ना। कहाँ? घुटने पर। कहाँ? यार राइट में। क्या 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 कर रही हो? अरे देख रही हूँ बाबा, कहीं सूजन तो दिख नहीं रही है। तो अंदर से हथौड़ा लाके मार के सुझा दो यार। अरे जान दिख नहीं रही है तो क्या करूँ मैं? अरे तू कितना शक करती है सोन आजकल। मम्मी, क्रॉस एग्जामिन मत करो, जाकर अंदर से स्प्रे लेकर आओ और पापा के पैर पर लगाओ। अच्छा भैया, स्प्रे का नाम भी बता दे मम्मी को, वरना कीड़े मारने का स्प्रे ले आएगी। कम ऑन पापा, कम ऑन। ये ये टेक, ये ये ऊ ई ये या यो ये क्या, लेके लेके पा लेके लेके या राइट ये। तुम्हारे तो घुटने में चोट लगी थी ना? हाँ तो चोट लगी है ना, बच्चा खेलने के लिए बोलेगा तो खेलूंगा नहीं क्या? बहुत झूठ बोलते हो सोना। बेबी जानू, आई लव यू। कितना शक करती है सोना। बेबी जा जाके बॉल लेके खेल दे। जी पापा। सोना, ओ खुशी के मारे मोहना, तेरी वॉक तेज तेज क्यों हो रही है? ओए फूल, ये वकालत का धंधा छोड़कर फूल बेचने का धंधा शुरू कर दिया? ओ ब्लडी फूल, फूल बेचने के लिए नहीं देने के लिए आया हूँ, भूल गया तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे मर गया यार, यार पेरेंट्स डे के बारे में भूल गया था तो इसने मुझे बेडरूम के बाहर निकाल दिया था, मैरिज एनिवर्सरी के बारे में भूल जाऊंगा तो ये तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। और तू एक काम कर, तू फूल मुझे दे और तू जा। ओ तू जा कैसे भाई, भाभी को मुबारकबाद देनी है मुझे। अरे तू पागल हो गया है, अभी तक तेरे भैया ने तेरे भाभी को मुबारकबाद नहीं दी, तू कहां से देगा? तू एक काम कर, तू जा, शाम को दूसरे फूल लेकर आ जाना, चल जा। ओ मैंने तो एक बार किया था, इसने 3 बार कर दिया। सोना जाना, जानू बेबी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उजा 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 उजा। तुम क्या सोच रही थी कि मैं आज अपनी शादी की सालगिरह भूल जाऊंगा? हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगी।
अच्छा अच्छा मेरा बेटा, I love you। अरे मेरी जान, तू तो जानती ही नहीं है कि तू मेरी जान है, तू मेरा जहान है, तू ही मेरी धरती है और तू ही मेरा आसमान है। I love you। अरे अपुन इधर आयला है वकील साहब के घर पे, आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार। अरे अंग्रेज लोग ने भी कमाल का वर्ड निकाला, वेल्डिंग। लोखंड की सलाखों को भी टाका मारने को वेल्डिंग बोलते, और इंसान के जोड़े को भी वेल्डिंग। लेकिन अपने जैसे भाई लोग जो लोखंड की सलाखों के भाई रहे ना, वो वकील साहब की मेहरबानी से है। अभी तो एक काम कर, वकील साहब को पहले तो तू याद दिला कि आज उनका हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। वेल्डिंग एनिवर्सरी, मगर तुम कौन? काला भाई। अभी जल्दी जा, फूल का वजन जास्ती है। अरे वाह मेरे शेर, खिलौना पसंद किया भी तो मर्दों वाला पन नकली क्यों? अपने जैसे भाई क्यों होते वो असली गन से खेलना यार। ये असली गन है? बिल्कुल, चला के देख, अड़ोस पड़ोस के चार घर के दूध के बर्तन नहीं गिर गए ना तो अपना नाम काला भाई नहीं, अब बे पंक्चर हो जाऊंगा। उधर उधर क्या हुआ? हाँ बेटा क्या हुआ? भाभी माँ कसम कमाल का निशाना आपके छोकरे का, ये बड़ा होके बहुत। सोना क्या कर रही हो तुम? वकील साहब वकील साहब। काला भाई है वो? भाभी है भाभी है। कोई बात नहीं, मारा अपने को ना, अपन देवर समझ के मार खा लिया है यार, और कोई होता ना तो इसमें पांच गोली बाकी है। काला भाई आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलता है भाभी, काला चलता है, हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं, वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी, नो प्रॉब्लम। सोना मालूम कौन है वो? मुंबई के माफिया का राइट हैंड आदमी है वो। और हो भी कौन सकते? क्या हो गया है आपको? पहले मोहन भाई साहब जैसे अच्छे और ईमानदार लोग आपके दोस्त हुआ करते थे, और अब ये गुंडा माफिया आपके सर्कल हो गए, घर तक आने लगे। सोना वो मेरा क्लाइंट है, ऑफिसर घर में नहीं आएगा तो खा जाएगा वो। पर इसका असर अब मेरे बेटे पे पड़ने लगा है। आज बंदूक चलाना सिखा, कल बम बनाना सिखाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। सोना चल बेटा। सोना 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 सोना, चलो सामान मान लो, सामान मान लो। मैं जा रही हूँ, तुम्हें खुशी हो रही है? खुश कैसे होऊंगा, बीवी चली जाएगी तो? बीवी बच्चे के साथ तो गृहस्थी होती है। मेरा सामान बांधो ताकि मैं भी तुम लोग के साथ रहूंगा, पड़ा रहूंगा किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं। लेकिन मैं बताता हूँ ना, तुम मेरे साथ प्यार से रहो। देखो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं आ जाऊंगा तो तुम नीचे गिर जाओगे। चिंटू तू पापा। अरे नहीं 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 नहीं, हाय मेरा बच्चा। आया आया, मेरा तो कभी लाड नहीं करती तुम। हाय मेरा बेटा। अच्छा सुन बेटा, तुझे पक्का पता है डैडी यहीं आने वाले थे? हाँ मम्मी, उन्होंने यही कहा था कि वो अपने क्लाइंट के साथ सेंटर होटल में डिनर के लिए आने वाले। अच्छा चल बैठ जा, जूस पी। पता नहीं कहाँ फंस गए होंगे, आदत से मजबूर। तारा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम मुझे शादी से पहले क्यों नहीं मिली? क्यों, वरना तुम मुझसे शादी करते। सीधी बात है। अच्छा हुआ तुमने मुझसे शादी नहीं की। क्यों? वरना मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तुम्हारी बीवी की तरह इंतजार कर रही होती। मजाक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। पीना आओ। अक्सर मैं खाने के लिए यहीं पर आता हूँ, यू नो। व्हाट फूड यू गेट हियर? ब्यूटीफुल प्लेस फॉर ब्यूटीफुल पीपल। मम्मी मम्मी डैडी आ गए। सुनिए, अरे मैडम तो चली गई, इस केक का बिल कौन भरेगा? बिल मेरे नाम का फटा है भैया। तो मैं ही भरूंगा। हाय डैडी। कौन थी वो? तारा। कौन तारा? चड्डा की बीवी। चड्डा? कौन चड्डा? तुम चड्डा को नहीं जानती? मेरा क्लाइंट। तो क्लाइंट की बीवी का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़कर क्या कर रहे थे आप? तो तुमने तो मेरा सिर्फ हाथ उसके हाथ में देखा, उससे पहले मेरा हाथ उसकी कमर में था। क्या? हाँ, और उससे कुछ देर पहले जबरदस्ती पकड़कर मैंने उसे अपने गाड़ी में ढकेल दिया। बेटा अंदर जा। अंदर नहीं जाएगा वो। अब जब उसने सब कुछ सुनी लिया है तो पूरी सच्चाई गौर से सुनेगा हमारा चिंटू। सच्चाई? हाँ सच्चाई, जिसका तुम्हें पता नहीं। तारा और चड्डा साहब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हमारी तरह।
उन दोनों की भी लव मैरिज हुई हमारी तरह, मगर तारा का नसीब अच्छा नहीं है तुम्हारी तरह, क्योंकि उसका पति बेवफा निकला। तारा ने चड्डा साहब को रंगे हाथों सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया, बात डिवोर्स तक पहुंच गई। और मैं नहीं चाहता था कि हमारे मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन किसी का डिवोर्स हो जाए, वो इसलिए कि तारा के भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, चिंटू जैसा बेटा है, एक छोटी सी बेटी है जो ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोल सकते। अब तुम बताओ अच्छा लगता है दो मासूम बच्चे माँ बाप की वजह से आपस में बट जाए? मैंने जबरदस्ती तारा को गाड़ी में बैठाया और हाथ पकड़कर चड्डा साहब से सेटलमेंट कराने के लिए मेरे होटल में आया। अब मुझे क्या मालूम था कि पराई आग को बुझाते बुझाते मेरे खुद के हाथ जल जाएंगे और अपने बेटे के सामने उसकी माँ की अदालत में हम मुजरिम करार कर दिए जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि मैं किसी का केस सॉल्व करने के लिए गया और मेरी जिंदगी का केस खराब हो गया। I mean, this is ridiculous, Sona. I'm sorry, papa. मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसे पता लगता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये सब पते सी बात नहीं। Come on, let's go. Let's go. Let's have a blast.